के बड़ालगंज क्षेत्र में पधारे प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री 3 दिनों तक क्षेत्र में रामकथा से क्षेत्रवासियों को अनुग्रहित करेंगे। उनकी सुरक्षा व सुविधा को लेकर जनपद पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी द्वारा कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था की कमान को संभाल लिया गया है। स्वधर्म के बारे में बताना, धर्म पर चलाने की शिक्षा देना, अगर कोई न्याय मांगने आया है तो न्याय करना। एक दिन एक घटना घटी, क्या कोई दिन भर न्याय मांगने आया ही है? क्यों राम जी के राज्य में किसी को दिक्कत ही नहीं है? ना तो कोई चोर है, ना उपद्रवी है, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। कम न्याय मांगने की जरूरत है? जहां शोर शराबा ज्यादा होता हो वहां व्यवस्था ज्यादा बनाई जाए। राम जी यहां कोई शोर शराबा नहीं, सब प्रेम पूर्वक रहते। एक दिन दिनभर कोई न्याय मांगने नहीं आया, लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया, थाना बड़लगंज में कस्बा बड़लगंज के जो सरयू का कछार है वहाँ पे काफ़ी बड़ा मैदान है, वहीं पे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं, वो उनका 3 दिन का प्रोग्राम है 17, 18 और 19 जनवरी का। तो वे आज अर्ली मॉर्निंग बड़लगंज आ गए हैं और पुलिस के स्तर से जो भी पंडाल है उसके आसपास और जो जितने भी श्रद्धालु के आने जाने के रास्ते हैं उन सभी पे पूरी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और पार्किंग को लेके जितने भी आने जाने के हमारे रूट है सभी पे पार्किंग व्यवस्था भी हमारे द्वारा बनाई गई है और ट्रैफिक की भी ट्रैफिक यातायात कर्मियों की भी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जो जहाँ पे पंडित धीरेंद्र शास्त्री रुकेंगे वहाँ पे उस आवास को भी वहाँ पे भी सुरक्षा बल रहेंगे और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। चूँकि ठंड का मौसम है और श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पंडाल में रात में रुकते भी हैं तो उसको देखते हुए वहाँ पे जो मेडिकल टीम है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही वहाँ पे काफ़ी जो एम्बुलेंस है वो उसकी मौजूदगी भी रहे, फायर टेंडर की मौजूदगी रहे, ये भी सुनिश्चित किया गया है। और साथ ही उसको मुख्य आयोजक को भी बताया गया है कि ठंड के मौसम को देखते हुए वो वहाँ पे कुछ ब्लोअर या आसपास अलाव की व्यवस्था भी वो करेंगे, उसके लिए भी उनको बताया गया है। हमारी पूरी तैयारी है और सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे जो कोई उनको परेशानी ना हो इसकी पूरी तैयारी हमारे